की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त की खबर पिहोवा से आ रही है। आज प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा में किया रैन बसेरे का उद्घाटन। प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा में किया रैन बसेरे का उद्घाटन। 95 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है रैन बसेरा। तिरुपति रैन बसेरे के उद्घाटन उपरांत कहा कि इससे बेघर लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री संदीप सिंह ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा प्रदेश के जिन खिलाड़ियों का 2013 से 2019 तक का लगभग 85 खिलाड़ियों का लगभग 3 करोड़ रुपए कैश अवार्ड रिलीज किया गया है। रैन बसेरे का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमारी नीति खिलाड़ियों को यथासंभव मदद देना चाहेगी। हमारे हिंदुस्तान में अतिथि को हम अपना भगवान समझते हैं, गेस्ट समझते हैं, तो उनके लिए है कि कोई भी बाहर से आए और ठंड में सर्दी में उनको नुकसान ना हो, सेहत ख़राब ना हो, उसके लिए आज उद्घाटन किया है। और मोस्ट वेलकम जो पिहोवा में आएंगे, गुरु की नगरी में आएंगे, यहाँ पर धार्मिक नगरी है, तो उनके रहने के लिए हमारा यहाँ पूरा अरेंजमेंट है। स्पोर्ट्स की बड़ी अनाउंसमेंट आज। स्पोर्ट्स की बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि काफ़ी समय से 2013 से जो पैसा रुका हुआ था कैश अवार्ड, तो वो रिलीव कर दिया है। और 2013-14, 14-15, 15-16, 17-18 और 18-19 जो आज तक का जो उनका था वो सारा रिलीव कर दिया। और अराउंड 85 स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनका पैसा रुका हुआ था, वो रिलीव तो किया। कितना पैसा होगा अमाउंट लगभग? कितना? ये 3 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, 2,85,00,000 के आसपास का बैठता है, तो एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं। और कुछ अभी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स की मुझे शंका है कि वो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो मैं वो जांच करवा रहा हूं, क्योंकि मैं किसी भी खिलाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो उनका थोड़ा रोका है इसलिए क्योंकि उनके एक बार डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक हो जाएं तो उनको भी पैसा मिलेगा। और खिलाड़ियों को, किसी का भी खिलाड़ी का पैसा नहीं मैं मारूंगा। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।